हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सेल में हाइड सेल को और रो को और कॉलम को कैसे करते हैं, अनहाइड कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉलम को हाइड कैसे करते हैं। तो कॉलम को हाइड करने के लिए सिंपल, आप कंट्रोल और स्पेस वाले बटन को क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आप कंट्रोल और जीरो प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा फर्स्ट। अब इसी को हमें अनहाइड करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले आप कंट्रोल और शिफ्ट करके साइड वाले सेल को, जो हाइड किया हुआ है उसके साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ से ये कर सकते हैं, राइट क्लिक करके अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अदरवाइज आप इसको कर सकते हैं Alt+H+O+U, उसके बाद में आप इसको कर सकते हैं L। यहाँ पर एक कॉलम आता है, वहाँ पर शो करता है कि आपको क्या करना है, तो L दबा दीजिए, अनहाइड हो जाएगा। दूसरा, अभी रॉ को कैसे करते हैं, तो अब जिस रॉ को हाइड करना चाहते हैं उसे शिफ्ट और स्पेस बार के से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंट्रोल और 9 वाला बटन प्रेस करेंगे, ये हाइड हो जाएगा। अब अनहाइड करने के लिए भी सेम वही मेथड है, आप इसे या तो राइट क्लिक करके कर सकते हैं अनहाइड, अदरवाइज इसे कंट्रोल शिफ्ट और 9 बटन दबाएंगे तो ये अनहाइड भी हो जाएगा। अनहाइड करने के लिए एक चीज़ और कर सकते हैं, आप अनहाइड जैसे करना है तो इसको भी वैसे ही कर सकते हैं Alt+H+O+U, और उसके बाद में आप सी दबाइए। सी तो उस कॉलम है, और अनहाइड रॉ जी ओ दबा दीजिए तो ये हो जाएगा। तीसरा, अब हम आपको मूव कैसे करते हैं वो बताते हैं। जैसे कि बाई चांस आपने हिंदी कॉलम ये है यहाँ लिख रखा है, अब लेकिन ये आपको करना है टॉप पे लेके आना है, तो आप इसे कंट्रोल और स्पेस वाले बटन को दबा के कंट्रोल एक्स कर लीजिए। उसके बाद जहाँ पर आपको मूव करना है वहाँ जाएंगे और कंट्रोल और एक्स दबा देंगे। ठीक है, और कंट्रोल से प्लस कर दीजिए। ये देखिए हिंदी यहाँ हो गया। अभी जैसे मुझे क्या करना है, ठीक है, अभी क्या करना है, ये मुझे करना है टॉप पर लेके आना है, इसे सेलेक्ट करूँगा, ये कर दीजिए। इसी तरह हम रॉ को भी कर सकते हैं, जैसे ये अर्पण है, इसको मुझे लेके आना है यहाँ पर करेंगे,